नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में प्रॉफिट कितना होता है और क्या ये बिजनेस करने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। तो सबसे पहले ये बिजनेस करने लायक है कि नहीं इसको बताता हूँ। ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करने लायक है। और माइक्रो फाइनेंस में ऑल ओवर इंडिया में 90% से ज़्यादा का कलेक्शन रेट है, डिफॉल्ट रेट बहुत कम है। और ये इसलिए नहीं कि लोग बहुत अच्छे हैं, लोग तो अच्छे होते ही हैं, अच्छे बुरे कुछ नहीं होते, हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम किस तरीके से उसमें इवॉल्व करते हैं इस वाले बिजनेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में कलेक्शन रेशियो ज़्यादा होने का कारण आप समझ लेना, सबसे बड़ा कारण ये है कि माइक्रो फाइनेंस में पर्सनल मीटिंग्स होती है, उसके बाद डिस्कशन होता है, उसके बाद पॉलिसीज बताई जाती है, हर हफ्ते मुलाकात होती है। इस तरीके से कस्टमर के साथ में रेगुलर कनेक्शन कोऑर्डिनेशन रहता है, जिसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है कस्टमर को तो उसको भी हैंडल करके उसको सॉल्व किया जाता है। इसी कारण माइक्रो फाइनेंस में कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। इसी कारण यहाँ पे पैसे डूबने के जो चांसेस है वो कम रहते हैं, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग होते रहती है, प्रोसेस बहुत अच्छा रहता है। प्रोसेस का सिस्टम आपके माइक्रो फाइनेंस में अगर है तो फिर बहुत अच्छा तरीके से काम होगा। और माइक्रो फाइनेंस इज़ ऑल अबाउट सिस्टम्स। दूसरा, इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 1-2 लाख रुपए से बिजनेस चालू कर सकते हैं क्या, बिल्कुल मत करिएगा। कम से कम 10 लाख रुपए आपके हों तब आप स्टार्ट करिए, और उसके बाद में आप दूसरे अच्छे से काम करने का प्रयास तुरंत चालू करिएगा। 4-6 महीने के अंदर में आपका जो डेवलपमेंट है आपके बिजनेस का, वो बहुत अच्छी तरीके से आप करिएगा, ताकि लोग आपसे कनेक्ट होने के लिए कंफर्टेबल रहें। आप उसमें प्रॉफिट जनरेशन चालू कर दीजिएगा। मैं 6 महीने बोल रहा हूँ, 6 महीने आपको सस्टेन करना रहेगा, मिनिमम 10 लाख, और उसके बाद में 20-30-40 लाख रुपए अगर कोई देने तैयार हो जाता है तो उसको कंपनी में शेयर होल्डर बना सकते हो आप, या फिर उससे अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हो, अनसिक्योर्ड लोन के रूप में लेकर उसको फिर ब्याज दे सकते हो। इस तरीके से आप सामने वाले को बेनिफिट कैसे देना चाहते हो, या आप उनके साथ बात करके डिसाइड कर सकते हो। अगर आप किसी को शेयर होल्डर बनाते हो तब भी उससे रिलेटेड स्पेसिफिक अलग से एग्रीमेंट बनता है। अगर आपको शेयर होल्डर एग्रीमेंट के लिए कुछ हेल्प चाहिए, प्रोफेशनली फीस के अगेंस्ट में हम लोग करके दे सकते हैं। लोन डॉक्यूमेंटेशन में आपको मदद चाहिए तो भी करके दे सकते हैं। अगर आपको माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग के लिए आप हमारे साथ में कनेक्ट तुरंत हो सकते हो, क्योंकि नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी से आ सकते हो। और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को बहुत सीरियसली, बहुत सिस्टमेटिकली करने की ज़रूरत है। पूरे देश की जान है माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि हर जगह माइक्रो फाइनेंस कंपनी पहुंचता है, तो गर्व है हमको माइक्रो फाइनेंस पे। जो इतने सारे माइक्रो फाइनेंस, इतने सारे जो कम इनकम वाले लोगों को सपोर्ट करते आ रहे हैं, और जिसमें से बंधन माइक्रो फाइनेंस, इसाफ माइक्रो फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस हैं जो पूरे देश को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी से। तो आप भी अगर कर रहे हो तो फायदेमंद तो है ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, देश के लिए भी फायदेमंद है और प्रॉफिटेबल भी है, और साथ ही साथ में सिस्टमैटिक भी है। तो दोस्तों, आप ये बिजनेस अगर करना चाहते हो बहुत अच्छी तरीके से जरूर करिएगा, ट्रेनिंग के साथ करेंगे आपको फायदा होने वाला है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।